प्रद्युम्न मर्डर केस में पिंटो फैमिली को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से मिली राहत, 7 अक्टूबर तक गिरफ्तारी पर रोक लगाई गई। अर्थव्यवस्था पर पिता पुत्र आमने सामने आ गए हैं। यशवंत सिन्हा ने फिर सरकार की आर्थिक नीति पर सवाल उठाए, कहा नोटबंदी का असर देखे बिना कैसे लागू किया जीएसटी, नौकरी नहीं है तो कहां से देंगे नौकरी। केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा ने पिता के बयान पर जताई असहमति, कहा लंबे समय के लिए हम तैयार कर रहे हैं अर्थव्यवस्था को। यशवंत सिन्हा के समर्थन में आज शत्रुघ्न सिन्हा, कहा बड़ों की सलाह न मानना पछताना। जयंत सिन्हा के लेख पर पूर्व मंत्री पी चिदंबरम का पलटवार, पूछा आप सही हैं तो आखिरकार क्यों गिर रही है जीडीपी, यशवंत सिन्हा के बयान को सही ठहराया। बेपटरी भारतीय रेल के लिए रेल मंत्री पीयूष गोयल की ऊंची उड़ान, रेल मंत्री ने कहा 1 नवंबर से 700 से ज्यादा ट्रेनों की रफ्तार बढ़ जाएगी, 48 एक्सप्रेस ट्रेनों को सुपरफास्ट कैटेगरी में शामिल किया जाएगा। लखनऊ के वोटर नहीं रहे पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी, चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट से नाम काटा है, 10 साल से दिए पते पर नहीं रह रहे पूर्व पीएम। एयरफोर्स का ट्रेनर प्लेन हैदराबाद के पास क्रैश हो गया, हादसे में दोनों पायलट सुरक्षित है, वायुसेना ने हादसे की जांच के आदेश दिए। 18 महीने के बाद आईएस के कब्जे से रिहा हुए फादर टॉम ने पीएम मोदी से मुलाकात की, सरकार की पहल के लिए कहा शुक्रिया। केरल के रहने वाले फादर का सीरिया में आईएस आतंकवादियों ने अपहरण किया था। बीएचयू में छात्राओं पर हुई लाठीचार्ज का क्राइम ब्रांच ने इसकी तफ्तीश शुरू कर दी है, यूनिवर्सिटी के सीसीटीवी फुटेज कब्जे में ले लिए गए हैं, आरोपी कर्मचारियों और पुलिस कर्मियों पर गाज गिरेगी। पनामा पेपर केस में अमिताभ बच्चन पर कस सकता है ईडी का शिकंजा, पूछताछ के लिए भेजा जा सकता है नोटिस, विदेश की 4 कंपनियों में डायरेक्टर रहे हैं बिग बी। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में आतंकवादियों ने घर में घुसकर बीएसएफ जवानों को गोली मारकर हत्या की, हमले में मृतक जवान मोहम्मद रमजान पारे के 4 परिजन भी घायल हो गए, आतंकवादियों की तलाश में जुटी है पुलिस। गेस्ट टीचर्स को नियमित करने वाला केजरीवाल का बिल हवा हवाई हो गया, दिल्ली हाईकोर्ट ने गेस्ट टीचर्स की नियुक्ति पर रोक लगाई है, केजरीवाल सरकार ने नियुक्ति को हरी झंडी दी। अरविंद केजरीवाल ने परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत को खत लिखा, फेयर फिक्सेशन कमेटी ने दिल्ली सरकार का सुझाव नहीं माना, सीएम ने डीडीसी मेंबर गजेंद्र हल्दिया को मदद करने के लिए दिया आदेश, परिवहन मंत्री 1 हफ्ते में सौंपेंगे अपनी रिपोर्ट। मेट्रो चीफ मंगू सिंह ने दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत के साथ बैठक के बाद बयान दिया, मंगू ने कहा 10 अक्टूबर से मेट्रो के प्रस्तावित बढ़े हुए किराए को लागू किया जाएगा। दिल्ली के संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल की लापरवाही के चलते एक नवजात बच्चे की जान चली गई, अस्पताल के डॉक्टर्स ने वेंटिलेटर न होने की बात कहकर बच्चे को भर्ती करने से इंकार कर दिया। इस घटना पर दिल्ली प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने दिल्ली सरकार पर सवाल खड़े किए, मनोज तिवारी ने कहा सरकार के अस्पताल में एक नवजात को भी इलाज नहीं मिल पाया, इसलिए मौजूदा सरकार को अब इस्तीफा दे देना चाहिए। नोएडा में निर्माणाधीन एलिवेटेड रोड पर गुरुवार की दोपहर एक बड़ा हादसा हो गया, जहां पर एक तेज रफ्तार से जा रही कोई स्पोर्ट्स गाड़ी पलट गई, उस समय गाड़ी में एक युवक और युवती सवार थे जो नोएडा के जीआईटी से सेक्टर 62 की तरफ जा रहे थे। यूपी के मेरठ में एसटीएफ ने कुख्यात गैंगस्टर मुकीम काला के भाई और 50,000 रुपए के नामी बदमाश वसीम काला कुमार गिराए, मारे गए बदमाश के खिलाफ हत्या लूट और रंगदारी जैसे दर्जनों मुकदमे दर्ज थे, पुलिस ने घटनास्थल से पिस्टल और बाइक को बरामद किया। हनीप्रीत करना चाहती है पुलिस के सामने सरेंडर, सूत्रों के हवाले से खबर। करनाल के सेक्टर 4 पुलिस चौकी में हनीप्रीत के पूर्व पति विश्वास गुप्ता और ससुर महेंद्र गुप्ता ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई है, धमकी भरे खत मिलने की पुलिस से शिकायत की है, राम रहीम और हनीप्रीत से जान को खतरा बताया गया है। भिवानी सीआईए पुलिस ने 2 चंदन तस्करों को गिरफ्तार किया, 50 से 60 लाख रुपए कीमत की 20 से 22 क्विंटल चंदन की लकड़ी को बरामद किया, पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले में तफ्तीश शुरू कर दी। गोहाना में एक महिला किराने की दुकान पर नकली नोट चलाते हुए पकड़ी गई, दुकानदार ने नोटों को पहचानने के बाद महिला को पुलिस के हवाले कर दिया, महिला के कब्जे से पुलिस ने लगभग 4,200 रुपए के नकली नोट बरामद किए। रेवाड़ी के बावल में करंट लगने से एक मजदूर की मौत हो गई, सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और तफ्तीश शुरू कर दी।
निजी कंपनी की बस ने 5 साल के मासूम को कुचल दिया। गुस्साए लोगों ने बस के शीशे को तोड़ दिया, रोड को जाम किया। पुलिस की मौजूदगी में बस को आग लगाई। स्कूल में जाते वक्त हादसा हुआ। पापा के साथ बाइक पर स्कूल जा रहा था। कांग्रेस के दिग्गज नेता माखनलाल फोतेदार का गुरुवार को निधन हो गया। उन्होंने गुरुग्राम के एक अस्पताल में आखिरी सांस ली। माखनलाल फोतेदार पूर्व किया इंदिरा गांधी के करीबी रहे हैं। राहुल और सोनिया गांधी ने बताया कांग्रेस की बड़ी क्षति।